अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर आई एम विद अनदर टॉपिक ऑफ ग्रामर विच इज़ आर्टिकल्स। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड विच ईदर स्पेसिफाइज और जनरलाइज अ नाउन। देर आर ओनली थ्री आर्टिकल्स, आ, एन एंड द। नाउ लेट अस रिकॉल आवर प्रीवियस नॉलेज विच वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस क्लासेस, दैट आ इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सनेंट। And you all know that consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. So here are some examples along with which we are using a bluebird, a nice man, a wonderful dinner. An is used before a word that starts with a vowel or a vowel sound. Vowels are A, E, I, O, and U. For example, an apple, an hour, an honest lady. हम उन तमाम अल्फाज के साथ एन लगाते हैं जिनकी आवाज़ में हमें अ साउंड आ रही होती है। Honest lady में चाहे ऑनेस्ट वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ आ की है, इसलिए हम उसके साथ एन लगाएंगे। सो हेयर आर टू एक्सेप्शंस दैट इफ द वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज आ बिफोर इट, एंड इफ इट गिव्स अ वॉल साउंड वी यूज एन बिफोर इट। फॉर एग्जाम्पल, अ यूरोपियन सिटी, एन ऑनरेबल पर्सनैलिटी। नाउ देयर आर two categories of articles. First is indefinite articles, which includes a and an, and second is definite article, which includes the. Articles को हमने दो categories में divide किया है। एक है indefinite articles जिसमें सिर्फ दो words हैं, a और an. Second category है definite article की। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक वर्ड है द। इनडेफिनेट आर्टिकल्स रेफर टू अ थिंग और पर्सन इन जनरल। ये जनरल चीज़ों को रेफर करते हैं। दे डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, दे रेफर टू अ थिंग और पर्सन इन जनरल, एंड दीज आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ओके, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बॉय, अ बुक, अ मैन, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट एट्सेट्रा। वेयर एज डेफिनेट आर्टिकल्स में द इज द ओनली डेफिनेट आर्टिकल। इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड uncountable nouns, but when it is going to specify them. Okay, for example, Ali is the best boy in the class. यहाँ पर the best boy in the class में दोनों जगह पर the, उस best एक तो adjective है इसलिए उसकी superlative degree के साथ the लगता है, लेकिन class में वो class को specify कर रहा है कि वो वही class है जिसमें हम अली को स्पेसिफिकली शो कर रहे हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर वन, सना हैज़ अ कैट। इस सेंटेंस में सिर्फ आपको बताया है कि सना के पास एक कैट है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सी कैट है, हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, हमने सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस किया। इन सेकेंड सेंटेंस, वॉट इज द कैट्स नेम। अब यहाँ पर द लगाने का मकसद ये है कि हम उसी कैट के बारे में पूछ रहे हैं, हम उसी कैट को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, उसी कैट को स्पेसिफाई कर रहे हैं जिसको हम पहले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ओके, एंड इन थर्ड सेंटेंस, द कैट्स नेम इज मानो। हेयर द इज अगेन स्पेसिफाइंग दैट वेरी कैट विच वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। In fourth example, can you buy me a piano? Here, a is article. And in fifth sentence, please give me an envelope.
आई वॉन्ट द एनविलप टू कीप माई डॉक्यूमेंट्स इन इट. फिफ्थ सेंटेंस में भी सबसे पहले हम लोगों ने एनविलप के साथ एन लगाया है, ठीक है. बाद में हमने उसी एनविलप के साथ द लगाया है क्योंकि हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि हमें वही वाला एनविलप चाहिए ताकि हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकें. तो आई होप आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में डिफ्रेंशिएट करना समझ आ गया होगा. इसके बाद आपकी असाइनमेंट है, काइंडली उसको बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा.